हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आपका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल में, जिसका नाम है गुजराती चेस शो। आज से मैं हिंदी में स्पेशली आपके लिए पूरा चेस कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें एक से बढ़कर एक स्टेप बाय स्टेप हम चेस सीखेंगे, शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब कि बिगिनर्स लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और आखिरी में एक्सपर्ट लेवल। ये तीनों लेवल आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप हिंदी में मेरे सारे पार्ट देख सकें। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत कर रहे हैं चेस पीसेस, चेस बोर्ड और पीसेस के सेटअप, पीसेस की वैल्यूज, ये देखते हैं। चेस में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें 32 वाइट स्क्वायर्स होते हैं और 32 डार्क स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ पे बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। आपको खास ध्यान रखना है कि राइट स्क्वायर जो है वो आपके राइट हैंड पे आना चाहिए, राइट ऑन वाइट। तो ये खास ध्यान रखना है कि ग्रीन स्क्वायर या डार्क स्क्वायर आपके राइट हैंड पे नहीं आना चाहिए, वरना वो बोर्ड सेटअप गलत होगा। तो सबसे पहले ये बोर्ड सेट कर दिया, उसके बाद बोर्ड में टोटल कितने पीसेस होते हैं, तो दोनों के मिला के 32 पीसेस होते हैं, जिसमें 16 ब्लैक के लिए और 16 वाइट के लिए। तो ऐसे दोनों को 16-16 पीसेस मिलते हैं। दोस्तों, चेस इज अ बैटल ऑफ टू माइंड्स, मतलब दो माइंड के बीच में खेले जाने वाली लड़ाई है। इसमें आपको खास ज़्यादा से ज़्यादा सोचना होता है, थिंकिंग की गेम है ये। जो प्लेयर ज़्यादा सोचता है, मतलब ज़्यादा स्टेप काउंट करता है, वही चेस में जीतता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पीसेस की वैल्यू और पीसेस के नेम। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने अभी ये है वाइट का किंग, इसे कहते हैं किंग। किंग के पॉइंट्स अनलिमिटेड होते हैं, आप एक नोटबुक लेके उसमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और पूरी एक चेस की बुक बना सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं आप किंग, किंग के सामने डैश करके आपको अनकाउंटेबल पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीस है क्वीन, तो क्वीन का स्पेलिंग है QUEEN, QUEEN। क्वीन के सामने आपको 9 पॉइंट्स देने हैं, क्वीन को 9 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद रुक, रुक यानी हम हिंदी में इसे हाथी कहते हैं, लेकिन चेस की लैंग्वेज में उसे रुक कहते हैं। रुक का स्पेलिंग ROOK, और रुक के सामने डैश करके आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, रुक के 5 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आता है बिशप, बिशप BISHOP, बिशप के 3 पॉइंट्स होते हैं और रुक से थोड़ा कम ताकत वाला होता है। उसके बाद आपको लिखना है नाइट, नाइट के सामने डैश करके आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, नाइट के भी 3 पॉइंट्स है। और लास्ट में लिखना है पॉन, पॉन यानी सैनिक, सोल्जर, उसे चेस की लैंग्वेज में पॉन कहते हैं, PAWN, पॉन। पॉन को सिर्फ 1 पॉइंट है, सबसे वीकेस्ट पीस इन चेस इज पॉन, तो पॉन सबसे वीक है। अब दोस्तों सारे पीसेस सेटअप कैसे करने हैं, हाउ टू सेटअप द बोर्ड, हम पहले सेटअप करना सीखेंगे। तो चलो सारे पीसेस हम हटा देते हैं, इसके बाद एक हम पीस यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो पहला आपको दोनों रुक को लेना है और दोनों कॉर्नर पे लगना है, दो कॉर्नर पे रुक आएंगे, रुक के बिल्कुल बाजू में आपको मित्रों नाइट लेना है, और नाइट के बाजू में दोनों साइड बिशप आएंगे। और क्वीन के लिए खास रूल है क्वीन ऑन कलर, मीन्स के क्वीन जिस कलर का है उसी कलर में क्वीन आएगी। तो क्वीन व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट स्क्वायर में रखेंगे और किंग डार्क स्क्वायर में रहेगा। किंग अपोजिट कलर में होता है, क्वीन अपने कलर में होती है, ये खास ध्यान रखना है। तो ये आपने सेटअप सीख लिया। और दूसरी जो सेकंड लाइन है, वहाँ पे सभी लाइन में पॉन अरेंज करेंगे हम। तो ये हो गया व्हाइट का सेटअप, इसी प्रकार आप ब्लैक का भी सेटअप कर लीजिए, और ये हो गया ब्लैक का सेटअप। सबसे पहले चेस सीखने के लिए आपको अपने पास में एक इंटरनेशनल साइज का चेस सेट चाहिए, और आप चेस साइड में रख के जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप उस पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, आसानी से जल्दी सीख जाएंगे।
तो चलो आज हमने पॉइंट और पीसेस के नेम सीख लिए और बोर्ड कैसे सेटअप करना ये भी आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे सारे पीसेस के मूवमेंट मतलब पीस कैसे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे क्वीन। क्वीन के 9 पॉइंट्स है इसलिए क्वीन सबसे पावरफुल पीस है। क्वीन कहीं भी जा सकती है। स्टैंडिंग लाइन यानी यहां तक बैक साइड भी जा सकता है। स्लीपिंग लाइन में हम ऐसे चला सकते हैं क्वीन को, खास ध्यान रखिए। और क्रॉस लाइन उसे कहते हैं चेस में डायगोनल, तो हम डायगोनल में भी ऐसे चला सकते हैं। दोनों साइड आप देख लीजिए मैं कैसे क्वीन को चला रहा हूँ। इसी प्रकार आपको चलाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम देखेंगे रुक के मूव्स। तो रुक सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग में चलता है, एकदम इजी मूव है रुक के लिए। आप रुक चलाना जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि सिर्फ आपको सीधा चलाना है या तो साइड में या फिर स्टैंडिंग में। इसी लाइन में आपको लाइन से बाहर नहीं जाना है, तो इस प्रकार रुक आप चला सकते हैं। उसके बाद आता है बिशप। बिशप भी आपको जल्दी खेलना आ जाएगा क्योंकि बिशप की मूव एकदम क्रॉस में है, स्टैंडिंग नहीं चलता बिशप। बिशप सिर्फ स्लांट चलता है, क्रॉस में ही चलता है ऐसे डायगोनली। एक बात खास ध्यान रखना है, बिगिनर्स प्लेयर जो होते हैं शुरुआत में सीखते हैं वो वाइड स्क्वायर वाला बिशप ऐसे ऐसे चला के गलती से यहाँ रख देता है, तो ये रॉन्ग मूव होती है। दोस्तों आप कोई भी रॉन्ग मूव करते हो तो उसे इलीगल माना जाता है और चेस में 2 इलीगल में आप गेम लॉस हो जाते हो टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से। तो आप जब भी बिशप या क्वीन या नाइट कोई भी पीस चलाओ तो अपने सही जगह पर रखना है, अगर गलत जगह पर रख दिया तो वो इलीगल माना जाएगा। तो बिशप के मूव एकदम इजी है। आपके पास 2 बिशप होते हैं शुरुआत में, एक डार्क स्क्वायर वाला बिशप होता है और दूसरा होता है लाइट स्क्वायर वाला बिशप। तो आप ये ध्यान रखिए कि गेम खत्म होने तक ये बिशप अपने कलर छोड़ेंगे नहीं, मतलब डार्क स्क्वायर वाला बिशप सिर्फ डार्क में चलेगा और व्हाइट स्क्वायर वाला बिशप सिर्फ व्हाइट में ही चलेगा, ये खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट की मूव। तो नाइट इसकी मूव थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाइट चलता है 2.5 स्टेप मतलब 2.5 घर, आपको ध्यान रखना है 2.5 स्टेप नाइट चलता है। उसे 2.5 स्टेप कैसे गिना जाता है, तो पहले हम नाइट को जो जगह पे होते हैं वो जगह को 0 काउंट करते हैं। उसके बाद आप स्टैंडिंग में या स्लीपिंग में और कहीं भी चला सकते हो, बैक साइड भी चला सकते हो, लेकिन जैसे कि ये नाइट इधर है तो आपको यहाँ 0, उसके बाद 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, 2 स्टेप फॉरवर्ड, देन लेफ्ट और राइट मुड़ जाना है, मतलब एल बनाना है। ये हो गया नाइट का 2.5 स्टेप, 1, 2.5, 1, 2.5। मैं बैक भी चलता हूँ, 1, 2.5, 1, 2.5। दोस्तों नाइट के मूव्स इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ कि नाइट सबसे डिफिकल्ट है, आपको कैसे चलना है नाइट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तभी नाइट चलाना आएगा। तो आप समझ गए नाइट कैसे चलता है, 1, 2.5। अभी मैं सेंटर में नाइट रखता हूँ और उसके चारों ओर में एक एक ब्लैक के पीसेस रखता हूँ जहाँ पे नाइट अटैक करता है, मतलब नाइट जहाँ हम चला सकते हैं, इतनी जगह पे हम नाइट को चला सकते हैं। ये हो गए टोटल 8 स्क्वायर, मतलब नाइट अगर सेंटर में होता है तो टोटल 8 स्क्वायर में जा सकता है, इसलिए नाइट सेंटर में ज्यादा पावरफुल होता है, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी पीस स्ट्रॉन्ग कब होता है कि वो चेस के सेंटर में होता है। अब नाइट हम साइड में रखेंगे जैसे कि हम यहाँ पे हैं, तो नाइट कितने स्टेप चलते हैं आप काउंट कर सकते हो। ओके, नाइट यहाँ पे सिर्फ 4 स्क्वायर चल सकता है, जहाँ पे 4 जगह हमने पॉन रखे हैं उतनी जगह पे आप नाइट चला सकते हो। हम चला के भी देखते हैं, 1, 2.5, 1, 2.5, 1, 2.5, 1, 2.5, तो ये हो गए 4 स्क्वायर। उसके बाद हम नाइट को कॉर्नर में रखते हैं तो कितने स्टेप चलता है ये देख लेते हैं। एकदम कॉर्नर में सिर्फ 2 स्क्वायर में नाइट जा सकता है, वो स्क्वायर ये है जहाँ पे मैंने ब्लैक को पॉन रखे हैं, ये 2 जगह पे सिर्फ नाइट हम चला सकते हैं, इसलिए नाइट कॉर्नर में सबसे वीक हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेंटर में, इतना ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले
कई बार लोग बिजनेस लेवल में नाइट के स्टेप ऐसे गलत काउंट करते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे गलत काउंट करते हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं 1, 2 and half ऐसे राउंड कर देते हैं, मतलब ये तो 2 and half नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक ही स्टेप हुआ, हम यहाँ थे और यहाँ आ गए तो एक ही स्टेप चला, तो ये तो गलत बात है, गलत मूव है, तो ऐसे मूव नहीं करें, खास ध्यान रखो। कई लोग ऐसे भी करते हैं, मैंने देखा है 1, 2 and half तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि ये 2 and half नहीं है, ये 3 and half है, 1, 2 and 3 and half हुआ। तो आपको ये नाइट चलाते समय खास ध्यान रखना है। तो ये हो गए नाइट के स्टेप, अब हम देखेंगे पॉन के स्टेप। तो पॉन चलाना सबसे इजी है, सिर्फ फॉरवर्ड चलता है, पॉन सीधा ही चलता है, वो साइड में भी नहीं चलता और क्रॉस में भी नहीं चलता, पॉन चलता है सिर्फ सीधा एक एक स्टेप आगे। हाँ, एक आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप शुरुआत में पोजीशन में हो, जैसे कि ये पोजीशन है, तो आप शुरुआत में कोई भी पॉन 2 steps स्टार्टिंग में चला सकते हो, उसके बाद 2 चलने के बाद सिर्फ एक ही स्टेप आगे बढ़ेगा और दोनों पॉन आमने सामने आने पर दोनों पॉन ब्लॉक हो जाएंगे, ना तो ये पॉन आगे बढ़ सकता है और ना तो ये पॉन आगे बढ़ सकता है। तो पॉन के सामने कोई भी दूसरा पीस आ जाता है तो पॉन ब्लॉक हो जाता है, वो सीधा मार नहीं सकता, पॉन कभी भी स्टैंडिंग में नहीं मारेगा अपनी लाइन में। खास ध्यान रखो पॉन की कैप्चरिंग मारना, कैप्चरिंग यानी मारना, तो पॉन की मारने की जो ताकत है वो स्लांटिंग में क्रॉस में 1 step भी मार सकता है। जैसे कि ये पॉन इधर है तो अभी ये पॉन इसे ऐसे मार सकता है, और अगर ब्लैक का चांस है, ब्लैक को खेलना है, तो ब्लैक इस पॉन को ऐसे मार सकता है, पॉन के स्लांट में कोई भी पीस आता है तो पॉन उसे ऐसे मार सकता है। सिर्फ पॉन ऐसा पीस है जो चलता अलग है और मारता अलग है, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। तो पॉन की मूव समझ गए, आप शुरुआत में 2 steps चलाने के बाद उसके बाद सिर्फ 1 चलाना है। अगर आप शुरुआत में 2 steps नहीं चलाना चाहते, आपको सिर्फ 1 step चलना है, तो उसे 1 भी चला सकते हो, लेकिन उसके बाद सिर्फ 1 step ही आगे बढ़ेगा। तो ये हो गई पॉन की मूव। पॉन की मूव एकदम इजी है, खास ध्यान रखना है, आप शुरुआत में कई पॉन एक साथ 2 steps चला सकते हो, मतलब मैंने एक मूव में ये पॉन 2 steps चलाया, अब ब्लैक का चांस आएगा, अल्टरनेट चांस होते हैं, अब ब्लैक 1 step चलाएगा, मैं दूसरा पॉन भी 2 steps चला सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही पॉन 2 steps चलाता हूँ, मैं कोई भी पॉन 2 steps अपनी जगह पे होता है तब चला सकता हूँ। तो ये समझ गए आप पॉन की मूव। अब हम देखेंगे किंग की मूव। तो किंग सिर्फ एक ही स्टेप चलता है अराउंड इट्स ओन स्क्वायर, मतलब किंग चारों बाजू चलता है कोई भी दिशा में, क्रॉस में, सीधा, स्लिपिंग और पीछे, लेकिन सिर्फ एक स्टेप चलता है। जैसे कि इसे मैं यहाँ चला सकता हूँ, यहाँ चला सकता हूँ, यहाँ चला सकता हूँ, यहाँ भी चला सकता हूँ, यहाँ भी चला सकता हूँ, यहाँ भी चला सकता हूँ, बैक साइड 1 step, सिर्फ 1 step, लेकिन कोई भी जगह पे स्टैंडिंग, स्लिपिंग और क्रॉसिंग। तो ये किंग चारों ओर एक ही स्टेप चलता है, किंग की लिमिटेड मूव है। किंग कहाँ नहीं जा सकता ये भी देख लेते हैं, जहाँ पे किसी का अटैक है, आपके अपोनेंट का अगर कोई अटैक है, वहाँ किंग हम नहीं चला सकते। ये पोजीशन में देखिए, ये जो स्क्वायर, जो वाइट स्क्वायर है, यहाँ पे बिशप का अटैक है, तो यहाँ हम चलाएंगे तो इल्लीगल मूव मानी जाएगी, यहाँ हम चला नहीं सकते, इल्लीगल होता है, उसके बाद आपको मूव वापस लेनी होगी और फिर से सही मूव करनी होगी। किंग यहाँ भी नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ भी बिशप का अटैक है, तो ये इल्लीगल है, ये 2 स्क्वायर में हम नहीं चला सकते। हाँ, किंग किसे मार सकता है, तो किंग सभी पीस को मार सकता है, सिर्फ किंग को नहीं मार सकता, और किंग अपने बाजू में आने वाले कोई भी पीस को मार सकता है, लेकिन उसे अगर कोई पीस का सपोर्ट है तो किंग उसे मार नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपने मारा तो वो इल्लीगल मूव होगा, जैसे कि यहाँ पे ये बिशप हमारे किंग के बिल्कुल बाजू में है, हम उसे मार नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसे रुक का सपोर्ट है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे किसे सपोर्ट है, ये रुक सीधा चलता है तो बिशप को सपोर्ट कर रहा है, मतलब बिशप को हम मार नहीं सकते, अगर हम बिशप मारेंगे तो रुक हमारे किंग को मार सकता है, इसलिए ये इल्लीगल मूव होता है, हम कोई भी सपोर्टेड पीस को मार नहीं सकते, इतना खास ध्यान रखना है, वरना इल्लीगल से ही आप गेम लॉस हो जाओगे, तो खास ध्यान रखो। चलो, आज के वीडियो में हमने ज्यादा से ज्यादा सीख लिया है बोर्ड कैसे सेटअप करना, पीसेस की वैल्यू, पीसेस कैसे सेटअप करनी और पीसेस चलते कैसे है। मेरे सभी वीडियोज आप हिंदी में लगातार देख सकोगे स्टार्टिंग से एंड तक,
इंटरमीडिएट लेवल, बिगिनर्स लेवल, एक्सपर्ट लेवल, एडवांस लेवल, सभी लेवल के मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देता रहूंगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे सारे वीडियो वन बाय वन आप देख सकोगे और एकदम स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में खेलने के लायक हो जाओगे और कोई भी टूर्नामेंट आप पार्टिसिपेट कर सकोगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जल्दी से जल्दी मैं बनाऊंगा और आपसे मिलूंगा। चलिए।